अगर खुदा भी तो उसको तोड़ने का मतलब है कि अपनी मौत खुदा है ना सर, ऐसा टास्क क्यों करवा रहे हैं आप? सुसाइड तो करवाएंगे नहीं आप उनसे, कुछ और दे दीजिए, कुछ और बना दूंगा। और अब सर आप ही बताइए, पहली बात तो ये कि हमारे घर में कोई मधुमक्खी का छत्ता है नहीं, और अगर होता भी तो उसको तोड़ने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत। अब सर आप सुसाइड करने तो बुलाएंगे नहीं हमको यहाँ पे, तो सर फिर ये क्लास बदल दीजिए ना, कुछ और बना देता हूँ ना मैं। हेलो भैया, आलसी इंसान विजन में तो आपसे कुछ ना हो पाएगा। शरद तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ए रमेश, रमेश की बात है, बड़े आलसी इंसान हो आप, इस जन्म में तो आपसे कुछ ना हो पाएगा। चुप कर शरद, मुझे टास्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें छत्ता भी तो होना चाहिए ना सर। अरे भैया हमें पता है, पीछे गार्डन में बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है। रमेश तू आपको वहां से शायद ला, रमेश आप लेफ्ट हो कहां गए? रमेश जी एक्शन। ओ हेलो सौरभ भाई, एक नंबर के आलसी इंसान, इस जन्म में तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। शायद तो चुप कर, मुझे टास्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए छत्ता भी तो होना चाहिए ना सर। अच्छा अरे भैया हमें पता है, पीछे बगीचे में बहुत ही बड़ा छत्ता लगा हुआ है। रमेश तू मिल गया, मिल गया। आपको वहां से शहद लाना होगा, ये कॉन्टेस्ट आपके रिश्ते को रमेश तू आपको वहां से सॉरी क्या कर सकते हैं, जिसके जरिए हम पता लगा सके कि आपकी जोड़ी और जोड़ियों से कितनी अलग है। वहाँ से पीछे से कल्याणी जी ने बोला कुछ, देखा सौरभ ने बोला, अरे भाई ऐसे कैसे, ये तुमने मधुमक्खी का छत्ते वाली शर्त रख दी है, अगर होता भी तो उसे तोड़ने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है, अब आप मुझे सुसाइड तो करवाएंगे नहीं, तो मुझे कुछ और बनाने के लिए दे दीजिए। सौरभ भैया आप बिना एक नंबर के बकलोल इंसान, अरे कुछ नहीं कर पाओगे। चुप कर, मुझे टास्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे घर में छत्ता ही नहीं है। तब तक बीच में रमेश आया। लो सौरभ भैया वो छत्ता ना पीछे अपने बालकनी में है, देखा आपको वहाँ से शहद लाना होगा, और ये कॉन्टेस्ट आपके रिश्तों को परखने के लिए किया जा रहा है, ये जानने के लिए किया जा रहा है कि आप एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसी के जरिए हमें पता चलेगा कि आपकी जोड़ी औरों से कितनी अलग। समझे? यहाँ से इन्होंने बोला, हाँ जैसे हमारा और हमारे एनजीओ का रिश्ता, टर्न करिए मैम, जैसे हमारा और अरे भाई यहाँ छत्ता वत्ता कहाँ है भाई, और होता भी तो यार तुम ऐसे शर्त रख लिए, अरे कोई सुसाइड करवाओगे क्या? क्या बकलोल इंसान हो एक नंबर के यार, तुम कुछ नहीं कर पाओ। डाटा अरे तुम चुप करो यार, कहाँ से पाऊंगा मैं छत्ता, कहाँ से लाऊंगा? रमेश आया, अरे भैया वो हमारे घर के पीछे है ना छत्ता, देखिए अब आपको लाना पड़ेगा वो, क्योंकि अभी पता चलेगा कि जोड़ी कैसी बनती है और जोड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे कंपैरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा। रमेश वहाँ से देखिए, उन्होंने बोला एनजीओ ने, भाई हमारे रिश्ते में तो ये सब होता ही है, हमारे एनजीओ में कभी ऐसे ही सबसे अलग है, कभी कभी अपनों को खुशी देने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। रैक्स ने बोला, पर इतना अलग, आई मीन आप दादी से गाय का दूध निकलवाएंगे, आप उनसे ऐसा कैसे करवा सकती हैं? वो बोली, हम किसी से कुछ नहीं करवा रहे हैं, अगर चंद कला को ये नहीं करना है तो वो गेम से हट सकती हैं। सुहानी बोला, दादी की जगह हम ये काम कर देते हैं। ऑर्गेनाइज़र बोली, वो लड़की आगे आई, मैम आप आगे आइए, क्रॉस करिए। हाँ क्रॉस करके आई, वो देखा आप अपने काम नहीं बदल सकती। तब तक युवराज ने बोला, ये टास्क है सुहानी, और इसमें हम सब ने अपनी मर्जी से पार्ट दिया था, अगर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर जूझे तो उसे गेम खेलना होगा। शायद ने बोला, ये देखा वहाँ पे, उन्होंने बोला पीछे से रॉबिन जी ने कुछ बोला, टास्क कब शुरू करना है? पीछे से एक आदमी ने बोला,
यहाँ से देखिए, उन्होंने बोला कर सुनीता जी ने पहले चंद कला तय कर ले कि उसे ये टास्क करना है या नहीं, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। आगे आई ओके, आप लोग रुकिए, सो आ जाओ। हाँ सर, एक्शन। माँ आशीर्वाद दीजिए, जा रहा हूँ मैं। कौन वो हल्का भाई ना सर, बहुत ये आइए। ओके सर। माँ आशीर्वाद दीजिए, जा रहा हूँ मैं मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के लिए। अब तुम दोनों मुँह क्या देख रहे हो मेरा, चलो। ओके, स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समय से बात, तुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब तक मेनका पगलाई हुई आई यहाँ, देखा इधर। अरे ये सब का है आंटी, ये गाय गन्ने संतरे चाय पत्ती सब खाना बनाना पड़ेगा क्या? मैं वो कुछ ऐसा ही समझ लो मेनका। दादी बोला तुम्हारा मतलब क्या सुमित्रा? यही कि आप सबको अपने जोड़ीदार की मनपसंद ड्रिंक बनानी है। सौरभ और ये देखिए वहाँ से मूव करके उधर गई, ये रिएक्शन फिर। हाँ ये उधर गई, वहाँ बोला सौरभ तुम्हें शरद के लिए शहद और नीम, शहद और नींबू पानी बनाना है। वहाँ से चल के वापस इधर आई, युवराज प्रतिमा जी को लिए अदरक वाली चाय। ये इधर गई, यहाँ पे इन्होंने किसी को इंस्ट्रक्शंस दिया, ये वापस चल के इधर आई बीच में। इतने में मेनका हंसने लगी, और दादी को गाय का दूध निकाल कर उसका दही जमा कर स्वानी जी की लस्सी बनाना पड़ेगा। सब लोग हंसे, तब तक दादी बिगड़ गई, शट अप मेनका, सब जानते हैं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से उन्होंने बोला हाँ चंद्रकला सबको पता है तुम ऐसा नहीं करती हो, पर एक एक गेम है और इसे जीतने के लिए तुम्हें ये करना होगा। स्वानी ने बोला क्या? हाँ ये देखा, यहाँ से स्वानी चल के इधर आई, हमें इस खेल का हिस्सा नहीं बनना दादी, रहने दीजिए। इतने दोस्त हैं, ये मेरी एक्चुअली ऐसे थी, कोई बात नहीं। अब यहाँ से सुहानी चल के इधर आई कैमरे के पास, यहाँ पे उसने बोला हमें इस खेल का हिस्सा नहीं बनना दादी, रहने दीजिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। युवराज ने बोला सुहानी तुम्हें भी, युवराज भी इधर चल के आया, सुहानी तुम्हें भी अपने पार्टनर के बिहेव पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल डिसीजन दादी का है, उन्हें कहने दो जो कहना। स्वामी बोला प्लीज़ युवराज दादी पर किसी चीज़ का दबाव मत डालो, जो वो करना चाहती हैं करें। पता है दादी क्या फैसला लेगी, समझ नहीं आ रहा, दादी को देख रहे हो आप लोग? सौरभ तुम्हारा तो शहद वाला जा रहा है। नहीं शहद कहाँ से लेकर आ रहा हूँ अमित जी? हाँ सर। वहाँ से गाय अरे सर ये देखा, ये बड़ा शहद का था छत्ता। चुप लाइट है एंड 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 चलो मोबाइल लो रमेश। हां चलो एक सेकंड, शरद है क्या? अरे भैया हमें पता है ना, वो बगीचे में बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा हुआ है। रमेश तू वो आदमी देखो कुछ बोलने लगा, तब तक यहाँ से मैडम बोली डन करके देखा था थोड़ा ही था ना। रमेश यहाँ से देखा, उन्होंने बोला कल्याणी जी ने, हाँ जैसे हमारे और हमारे एनजीओ का रिश्ता सबसे अलग है,
कभी कभी अपनों को खुशी देने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। लेकिन फिर इतना अलग, आप दादी से गाय का दूध निकलवाएंगे, आप उनसे ऐसे कैसे करवा सकती हैं? हम ऐसा किसी से कुछ नहीं करवा रहे। उन्होंने बोला अगर चंद्रकला को ये नहीं करना है तो ये गेम से हट सकती हैं। मैंने बोला दादी की जगह हम ये काम कर सकते थे। तब तक वहाँ से एक लड़की आई, इधर बोली नहीं रहने दीजिए, आप काम नहीं बदल सकती। तब तक युवराज ने यहाँ से बोला ये टास्क है सोनी, और इसमें हम सब ने अपनी मर्जी से पार्ट लिया। अगर कोई चाहता है कि उसे पार्टनर जीते तो उसे ये गेम खेलना होगा। देखा, एंड तुमने मेनका को बोला कुछ? क्या लगता है सर? सर अब वैसे मेन का भाभी शायद लगाओगी। किस चीज की शायद? अरे यही कि दादी गाय का दूध निकालेंगी कि नहीं। नो वे। तब तक उधर पीछे से आवाज आई, सुलेमान से कहते बोली नहीं, अभी यहां आ गया ना, एंड एक्शन। यही कि दादी गाय का दूध निकालेंगी कि नहीं? नो वे। पीछे से आवाज आई, अरे टास्क कब शुरू करना है? कल्याणी बोला पहले चंद्रकला तय कर ले कि उसे ये टास्क करना है या नहीं, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। स्वानी बोला दादी अगर आप पीछे हटना चाहती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रकला और स्वानी, तब तक गाय की बोलने की आवाज आए, अब पता नहीं दादी की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो दादी को होपफुल देखना, दूध में मतलब दूध भर कर लेता हूँ, बनकर लेता हूँ, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सौरभ सॉरी रोलिंग है, सौरभ लेके मत दूध करना। शरभ अब दादी का ना थोड़ा चीट करना, मतलब राइट टाइम लेके आओ, ये चीट कॉल ना करो, मेरे का पीछे आओ रोलिंग एंड एक्शन। देखा वहाँ पे ये बात मानेगी नहीं मानेगी, रोज रोज करना सौरभ वाले क्या अभी, और ये दादी ने कहा नो वे, अब वो कमरे में चली गई। वहाँ से उन्होंने बोला चंद्रकला और स्वानी अब इस गेम का हिस्सा नहीं है, आप लोग अपना टास्क शुरू कर सकते हैं, आपके पास ये टास्क पूरा करने के लिए 2 घंटे हैं। ये देखा यहाँ से मैडम ने बोला भाई चंद्रकला अब अगर वहाँ से रॉबिन की आवाज़ आई, टास्क अब शुरू करना है। उन्होंने बोला पहले चंद्रकला तय कर ले कि उसे ये टास्क करना है या नहीं, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। स्वानी बोला दादी अगर आप ये युवराज आया उस साइड बोला स्वानी तुम्हें भी अपने पार्टनर के बिहाफ पर कुछ बोलने की जरूरत है। साइड हो गई अमित जी, हां गेट गेट ओके राज ने सौरभ बोलने लग गया उसे। हां सौरभ मुझसे कुछ बताने लगा, मधुमक्खी का छत्ता ये वो ये सब चीजें हो गई, बहुत बड़े हो गए ऐसी, भैया तुम इस जन्म में कुछ ना हो सकता तुम्हारा। सौरभ ने बोला जाके उसको चुप कर। वहां से उस आदमी ने बोला कल्याणी जी ने बोला हाँ जैसे हमारा और हमारे एनजीओ का रिश्ता। अरे अमित पीछे दिख रही है। हाँ हाँ उन्हीं को बोल, मैं ही नहीं बता रहा हूँ। एक्शन पे आप लाइन लीजिएगा। एक्शन। जैसे हमारा और इस एनजीओ का कुछ अलग सा रिश्ता है, इसी तरह से अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए हमें कुछ अलग सा करना होता है। वहाँ से राजवीर बोला पर इतना अलग, आप दादी से गाय का दूध निकलवाएंगे, आप उनसे ऐसे कैसे करवा सकती हैं? उन्होंने वापस टर्न कर बोला हम किसी से कुछ नहीं करवा रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं करवा सकते। अगर चंद्रकला को ये नहीं करना तो वो गेम से हट सकती है। हम किसी से कुछ नहीं करवा रहे, अगर चंद्रकला को ये नहीं करना है तो वो गेम छोड़ के जा सकती है। नहीं दादी के बदले हम कर देंगे। देखो लड़की आई उसने कुछ बोला, आप अपने काम नहीं बदल सकती। से एक आदमी ने बोला टास्क सब कब शुरू करना है मैडम? आपने बोला पहले चंद्रकला तय कर लें, पहले चंद्रकला तय कर लें कि उन्हें ये टास्क करना है, उसके बाद हम गेम शुरू कर सकते हैं। क्या आवाज आई?
आ गया है, उसको लगने लगा कि